बच्चे देखिए मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 3 का नेक्स्ट पार्ट है आपका एक्सरसाइज 4, जिसमें मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, मानव जनन तंत्र के हिस्सा का मैं आगे चर्चा करते जा रहा हूँ, जिसमें कि स्त्री जनन तंत्र का, स्त्री जनन तंत्र प्राथमिक जननांग आपने अगर पढ़ा था तो याद होगा आपका अंडाशय है। दूसरा जननांग है जिसका नाम है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी कहिए या इसी को ओविडक्ट कहिए इंग्लिश में, या इसी को आप फैलोपियन नलिका कह सकते हैं, फैलोपियन डक्ट कह सकते हैं। इस तरह से आप इसका एक जोड़ी अंडवाहिनियां जो होती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, दो अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी की लंबाई लगभग देखा था 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है प्रत्येक अंडवाहिनी। कहा था पेशीय नलिका होती है, इसका एक सिरा गर्भाशय तक, दूसरा सिरा अंडाशय के ऊपर की ओर रहता है। संपूर्ण नलिका है तीन हिस्सा में बटी होती है, लेकिन अंडवाहिनी मुख्य रूप से देखा जाता है दो तरह के काम करते हैं, अंड कोशिका ने अंडाणु का स्थानांतरण, और दूसरा मुख्य क्रिया निषेचन के लिए स्थान प्रदान करता है अंडवाहिनी। तीन हिस्सा में बटा हुआ है, सबसे पहला हिस्सा है जिसको आप इनफंडिबुलम कहते हैं, INFUNDIBULUM। दूसरा हिस्सा है तुम्बिका जो कि हल्का घुमा हुआ रहता है, एम्पुला इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तीसरा हिस्सा है इस्थमस जो कि संकीर्ण पार्ट होता है। इस तरह से तीन भाग में बटा होता है अंडवाहिनी, प्रत्येक अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का जो सिरा अंडाशय के पास होता है वह कीप के आकार की संरचना होती है, टीप फनेल, फनेल के आकार की संरचना होती है, इसी संरचना को इनफंडिबुलम कहा जाता है। इसके अगले सिरे पर अंगुली के जैसा उभार प्रोजेक्शन निकला रहता है, उसको इंग्लिश में फिम्बड़ी कहा जाता है, जिसको हिंदी में झालर भी कहते हैं। कहा जाता है जब अंडोत्सर्ग अंडाणु का उत्सर्जन होता है, फिम्बड़ी उसको ग्रहण करता, ग्रहण करने में सक्षम होता है। दूसरा पार्ट तुम्बिका जो कि इनफंडिबुलम से आगे की ओर हल्का घुमा हुआ वलन, पेशीय नलिका चौड़ा संरचना होती है तुम्बिका, जो कि निषेचन का स्थान प्रदान करता है। तीसरा अंतिम हिस्सा होता है अंडवाहिनी का इस्थमस, जो कि पतली संकरी सीधी और जाकर के गर्भाशय से जुड़ी रहती है। ये था अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बाद तीसरा नंबर जो पार्ट है वो मैं बताता हूँ। आइए तीसरा भाग का चर्चा करूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है स्त्री के जनन तंत्र का। इसको गर्भाशय कहते हैं, इंग्लिश में यूट्रस भी लिखा होगा कहीं, आप इसी को कहते हैं उम्ब, जिसको बच्चेदानी भी कहा था, जहाँ पे भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, WMD। कहा था गर्भाशय जो कि मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होता है, नाशपाती के आकार का उल्टा साइज में, अर्थात आप कह सकते कौन से, आप कह सकते शंकु आकार स्ट्रक्चर होता है। गर्भाशय का स्ट्रक्चर को अगर आप ठीक से देखिए, एक ही संरचनाएं होती है, इसका लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है, लगभग 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा संरचना होता है। इसमें देखा जाता है संपूर्ण हिस्सा को, आप देखें ऊपर उभरा हुआ संरचना जिसको आप फंडस कहते हैं, फंडस ऑफ यूटरस, बीच वाला संरचना जहां पर की गुहा होता है उसको बॉडी ऑफ यूटरस कहते हैं, और सबसे नीचे वाला पतली संरचना मैंने फिगर बनाकर दिखाया था उसको सर्विक्स यानी ग्रीवा हिंदी में कहते हैं। इस तरह तीन भाग बटा होता है, इस पर जो लेयर कवर रहता है उसका तीन स्तर होता है, तीन परत होता है। सबसे बाहर पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है, उसको कहते हैं पेरी मैट्रियम, और उसके बीच में मसल्स का मांसपेशी का संरचना होता है, उसको कहते हैं मायोमैट्रियम, और सबसे अंदर में स्लैस्मा का, लसलसा पदार्थ का, स्लैस्मा म्यूकस का बना हुआ एक मोटा लेयर होता है, उसको कहते हैं एंडोमैट्रियम। एंडोमैट्रियम ऐसा लेयर होता है जहां पर कि भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से तीनों लेयर से कवर हमारा गर्भाशय होता है स्त्री का। कहा जाता है गर्भाशय भ्रूण के विकास के लिए, आरोपण के लिए स्थान प्रदान करता है। इस तरह से गर्भाशय के बाद चौथा स्टेज पे लेके, चौथा पार्ट लेके चलूं मैं आपको, जिसको आप कहते हो योनि, इंग्लिश में वैजिना कहते हो, इसको एक और नाम जाता है वाय जननांग भी कहा जाता है। कहा था स्त्री का यह वाय जननांग लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी प्रसारी, प्रसार यानी फैलने वाला, इसका प्लास्टिसिटी गुण होता है, प्रसार जो लाल होता है, योनि के बारे में कहा जाता है। इसका एक सिरा ऊपर की ओर गर्भाशय की ग्रीवा में खुलता है, और दूसरा सिरा बाहर की ओर योनि क्षेत्र के रूप में शरीर से बाहर खुलता है। योनि का जो बाहर का योनिमुख होता है उस पर एक पतली दीवार होती है, उसको हाइमेन कहते हैं या हिंदी में योनि छिद्र कहते हैं।
कहा जाता है इसके बारे में या व्यायाम या किसी प्रकार साइकिलिंग या एक्सरसाइज या पारिशारीरिक फिजिकल वर्क या लैंगिक संपर्क के कारण ये टूट जाता है ये लेयर। योनि के दीवार में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाई जाती है। यह जीवाणु खास करके ग्लाइकोजन का अपघटन कर वहां पर अम्लीय माध्यम बनाता कार्बनिक अम्ल तैयार करता है जिसके कारण योनि का जो वातावरण होता अम्लीय होता अम्लीय होने कारण किसी भी तरह के संक्रमण से सुरक्षा करता है। आइए मैं आगे लेके चलूं टॉपिक में। आइए मैं बात करूं बाह्य जननांग जिसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। एक्चुअली इसके अंतर्गत कई तरह के ऑर्गन को पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर के साथ भी बता रहा है जैसे कि जगन उत्थान जिसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं प्रकोष्ठ वेस्टिब्यूल लघुओष्ठ दीर्घोष्ठ भग ऐसे कई पार्ट सबको मिलाकर के एक और नाम दिया जाता है भग जिसको भलवा कहते हैं। इन सभी संरचनाओं को एक साथ में फिगर के साथ बताना चाहता हूँ दिखाता हूँ कैसे फिगर।